Hello friends, I'm back with another Adobe Muse video tutorial. In this tutorial, I'm going to show you how to set a slideshow in your website. So let's do it. तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूँ. तो ये देखिए, ये जो स्लाइडशो आपको दिख रहे हैं हम आज यही बनाने वाले हैं. ये देखिए कैसे यहाँ पे स्लाइड शो मूव कर रहा है. आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने जो बैकग्राउंड लगाया है वो भी स्लाइड शो से लगाया है, लेकिन वो फुल स्लाइड शो था दोस्तों. उससे भी हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसके जब हम लोग जो जब स्मॉल करने जाए वो इस तरीके से नहीं आएगी. तो इसके लिए हम लोग दूसरी स्लाइड शो यूज़ करते हैं. तो इसमें ये देखिए इस तरीके से स्लाइड शो कैसे करते हैं, और ये जो नीचे देखिए जो शेडो इफेक्ट आ रही है ये सब हम कैसे देते हैं, तो आज हम लोग यही देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. सिंपली म्यूज़ ओपन करना है, और मैं जो पुराने प्रोजेक्ट है मैं उसी पर काम करूँगा. तो मैंने होम खोल रखा है, ये देखिए होम. अब आपको क्या करना है, विजेट एंड लाइब्रेरी पे जाना है, स्लाइड शो पैनल में फिर से जाना है. आपको ब्लैंक जो यहाँ दिख रहा है, ब्लैंक स्लाइड शो, इसको आपको कैनवस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें इमेज इम्पोर्ट करवाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसे सेट कर लेता हूँ. मैंने इसे सेट किया इस जगह पर. उसके बाद मैं इसे स्ट्रेच करूँगा, और इसे फुल स्ट्रेच करके मैं इस तरफ पे ला दूंगा. अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ. फिलहाल मैं इसे गाइड अभी रहने देता हूँ, क्योंकि गाइड पता चलेगा कि अभी मैंने कितने इमेजेस लिए हैं. इसके लिए अभी मुझे गाइड की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, अब मैं इसे थोड़ी और बड़ा कर लेता हूँ. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये ब्लू आइकन पर क्लिक किया मैंने, इस स्लाइड शो पे क्लिक करना है. उसके बाद ये ब्लू आइकन विजुअल होगा, इस पर क्लिक कर लेना है आपको. उसके बाद आपको फोल्डर पे क्लिक करना है. आप यहाँ पे कोई भी इमेज चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं सेम इमेज कर रहा हूँ. ये मैंने एंटर करवाया, ये देखिए ये पांचों इमेज 5x5 यहाँ पे आ गई है. अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली इसे डिलीट कर दूँगा. चलिए एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा दिखता है. ये देखिए ये हमारा इस तरीके से दिख रहा है. ठीक है, फेड सही है. मैंने जो पिछले ट्रांजेक्शन जो किए थे मैंने पिछले वीडियो पे, वो सेम फॉर्मेट यहाँ पे इसने ले लिया कि फेड हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मेरा लोगो है ये पीछे जा चुका है. तो मुझे क्या करना है, ये मुझे आगे लाना है. ठीक है, फ्रंट पे लाना है, और यहाँ पे मुझे शेडो भी नहीं आ रहा, तो मुझे ये दो काम करना है अभी. तो चलिए मैं कर लेता हूँ. सबसे पहले क्या करना है आपको, इस लोगो पे क्लिक करना है, और इसे क्या करना है, अरेंज है, अरेंज पे आपको जाना है. उसके बाद ब्रिंग टू फ्रंट, ये देखिए अब ये फ्रंट पे आ गया. तो चलिए हमारा एक काम तो हो गया. अब दूसरा काम है जो हमारा, आपको ये स्लाइड शो पे क्लिक करना है, और एक और बार क्लिक करना है जब तक ये मूव करने की तरीके, ये रिसाइज करने की जो गाइड है ये ना आ जाए. गाइड आने के बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट पे जाना है, शेडो पे क्लिक करना है. 45 डिग्री आप जितनी चाहिए उतनी डिग्री सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 45 डिग्री बेस्ट है. आप चाहे तो इसे 90 डिग्री भी कर सकते हैं. 90 डिग्री करेंगे तो सिर्फ ये डाउन आएगा. ठीक है, तो 90 डिग्री करने के बाद, एक मिनट, हाँ 90 डिग्री सेट करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें जितनी कम हो सके. जैसे कि यहाँ 11 बहुत सही है, 11 पे मैंने सेट कर लिया. अब मैं इसे प्रीव्यू इन द ब्राउज़र करता हूँ. ये देखिए हमारा शेडो भी आ रहा है, आइकन भी, लोगो भी हमारा ऊपर आ गया, और ये देखिए हमारा स्लाइड शो कम्प्लीट हो चुका है. आप चाहे तो इसके पीछे नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नाम दे सकते हैं. जैसे कि हमारा जो पिछले जो था यहाँ पे गाइड था, उस गाइड को यूज़ करके आप यहाँ पे नाम भी लिख सकते हैं. तो यही था हमारा आज का ट्यूटोरियल. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें. और फॉर मोर अपकमिंग वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन. प्लीज़, जय हिंद.